ओम श्री गणेशाय नमः। नवग्रह दोष, यह शिवलिंग के जलाधारी अशोक सुंदर देवी के चरण में निवारण होते हैं। नवग्रह दोष शिवलिंग रो अशोक सुंदर देवी जो जलाधारी अच्छे तांको चरण रे प्रतिकार बहुत सरल सहज उपाय। एमती सब सामान रेडी कर दे, ऐसा सब सामग्री रेडी कर लीजिएगा। आज जैसे मंगलवार है, सिंदूर मैंने चढ़ाया, नींबू दिया है, शमी का पत्ता दिया है, सरसों तेल डाला हुआ है, छोटा सा तंबा नाक दिया हुआ है, लोहे का सिक्का दिया है, और दुब घास और बेलपत्र और रक्षा सूत्र है, ऐसा सब आप रेडी कर लीजिए। और भी कई सामग्री है, जैसे कि पीली सरसों तो जरूरी है हर पूजन में, कर्पूर पीली सरसों, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिएगा, ठीक है, गंगा जल दे देवे, थोड़ा सरसों तो नहीं आते दरकार। और ये हाथ में मैंने अभी लिया एक नींबू लिया, ये अनेक परिवार के लिए कर रहा हूं। मेरा नाम सुनील मित्र, दसवां विद्यालय का तंत्र शास्त्र भुवनेश्वर से, अनेक परिवार, लेकिन हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना निवारण कैसे कर सके। ग्रह दोष ऐसा सब ले लीजिएगा और बोलेगा मेरा गोत्र, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा गोत्र मित्र, और हमने अनेक गोत्र का यहाँ उच्चारण कर दिया, और बस इतना लीजिएगा। अंतिम नब्बे निजो गोत्रों को देवे, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिय नमः, ओम राहवे नमः, ओम कहते हुए नमः स्वाहा, अंति कर देवे, छाड़ देवे, ऐसा करके छोड़ दीजिएगा। तांबा नाग यह सूर्य ग्रह को मजबूत करता है। गेहूं यह अनेक ग्रह, गहम गेहूं को कनक स्वर्ण कहा गया, यह अनेक ग्रहों को प्रसन्न करता है। तो यही खेल है जन्म कुंडली का, ऐसा ही खेलो जन्म कुंडली। सरसों तेल निहाती लगी, सरसों का तेल जरूरी है, लेमन लेम्बू देवे, लेम्बू सरसों तेल रे जहां भी दे देवे, शिवलिंग रे सिंदूर चढ़ी पार शास्त्र अनुसार, जेतु से अशोक सुंदरी देवी अच्छा हलदी ताक चढ़ सिंदूर आपण आप देंगे तभी तो सदा स्वागत का वरदान वहां से मिलेगा और कालिका देवी के मंदिर से मिलेगा। तो एटा ही नवग्रह खेल, जातक का देखांतु नहीं, जन्म कुंडली किसी को ना दिखलाए। और शिव मंदिर जीवा समय, शिवलिंग शिव मंदिर में जाते समय, कोई भी मंदिर में जाते समय रुद्राक्ष का एक माला या ब्रासलेट या कुछ भी पहनिए, प्रत्येक समय एटा धारण करते हुए और तीन थर ताली बाड़े देवे, और तीन बार जो है वहां मंदिर में ताली बजा दीजिएगा, और हमेशा हर रोज दुब घास एक अपने पास में रखिएगा, दुबो घास और मस्तक पर जरूर लेपन कीजिएगा। बस यही खेल है नवग्रह का। नवग्रह का दोष कहाँ रहता है? नवग्रह दोष कोटी रहे हस्तरे रहे सती पाई हमें कहू, इसलिए हम बोलते हैं बुला कुकुर को कुछ की खाइबा पे दे थे और शिवलिंग रे हाथ लेपन कर देवे, निजो मथारे लेपन करेंगे, शिवलिंग को हाथ घिस के अपने मस्तक पर लेपन कर दीजिएगा। और मस्तक पर जो रहता है ये लगाइए, और दांतों में जो रहता है, दांतों रे जो दोष रहे नवग्रह दोष अपन चाल्ला बुल्ला सिल्ला जे कौन समय ओम सरस्वती देवी नमः, ओम भूर भूवा स्वता सवितरण भर्गो देवेश धीमे दिन प्रचोदाता, ओम सरस्वती देवी नमः, ओम भूर भूवा स्वता सवितरण भर्गो देवेश धीमे दिन प्रचोदाता, ये मंत्र जाप कीजिएगा। दांतों में ये सब कुछ खेल, जीवा 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 कुंडली देखिए, जीवा में लकीर है या नहीं, तो जन्म कुंडली गलती से भी किसी को न दिख रहा है। कोई भी देवी देवता के मंदिर में जाए यह सभी सामग्री लेके जाइएगा। सिंदूर के अंदर 33 कोटि देवी देवता का वास है, पीली सरसों में 33 कोटि देवी देवता का वास है, नींबू में 33 कोटि देवी देवता का वास है। पितृदोष निवारण, पितृदोष निवारण कैसे करेंगे? काला तिल और जो दे दीजिएगा, कौड़ा राशि और जबदान दे देवे, पितृदोष प्रतिकार है जीव। महीना में एक बार भी ऐसा सब लेके जाइए, ज्यादा नहीं तो शिवालय में और महाकालिका देवी के मंदिर में। प्रतिमा से गोटे थोड़ भी नहीं के जानतु शिव मंदिर और महाकालिका देवी मंदिर, आ कि करवा नहीं तो समस्त गोत्र ना कह दिया जाए, लेम्बू रे कह दिया जाए, छाड़ देवे। बस यही खेल है जन्म कुंडली का, ऐसा ही जन्म कुंडली का खेल अच्छी। अपने घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जरूर वास करवाए, और शालिग्राम सुदर्शन चक्र वास करवाए, अपन को वासगृह नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और शालिग्राम सुदर्शन चक्र हम कहते, शालिग्राम कोई नहीं, शालिग्राम सुदर्शन चक्र, हमने शालिग्राम नहीं कहा है, शालिग्राम का सुदर्शन चक्र कहा है, जरूर जरूर बिठाइए। रुद्राक्ष धारण करने से अकाल मृत्यु दोष टलता है, बच्चे विद्वान होते हैं, अकाल मृत्यु दोष टली जाए रुद्राक्ष धारण करे। अरे यार कौन सी नीति नियम नहीं, जे जमती पारला पिंद ले, इसका कोई नीति नियम नहीं, महिलाओं को तो ज्यादा धारण करना चाहिए, अकाल मृत्यु दोष टलता है। जो महिला बेटी रुद्राक्ष माला धारण करती हैं वह सदा सुहागन रहती हैं, सदा सुहागन रहती हैं, सदा सुहागन रहती हैं।
तो हर व्यक्ति धारण कीजिए रुद्राक्ष, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे गले में रुद्राक्ष पांचमुखी जरूर धारण कीजिए, सभी बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। यह वीडियो को जन जन तक जरूर भेजे, यह वीडियो को अनेक व्यक्तियों को पठांतु, जा द्वारा की नीचो ग्रह दोष नीचे ही प्रतिकार करेंगे। यह वीडियो को अगर आप अनेक व्यक्तियों तक भेज दें तो अपना ग्रह दोष ही वह स्वयं अपने ही माध्यम से निवारण कर सकते हैं। देखिए वेद शास्त्र ने कहा है, मानव के पैर को शूद्र, पेट को वैश्य, सीना को क्षत्रिय और मस्तक को ब्रह्म ज्ञान पंडित कहा है। वेद शास्त्र कहुची मनीषर गोड़ा हूँ शूद्र, पेट हूँ वैश्य, छाती सीना हूँ क्षत्रिय, मुंड हूँ पांडित्य। ऐसा ही वेद शास्त्र कहुची, निजे पूजा करिबा पे सीखवा अति आवश्यक, आपको सीखना जरूरी है। काल सर्प योग तो जिंदगी भर नहीं छूटता, काल का अर्थ है मृत्यु, काल सर्प दोष जीवन जाको छाड़े नहीं, ए सिस्टम रे ही कले छाड़ब। काल सर्प अर्थ होचे अकाल मृत्यु डेथ। तो मोर उद्देश्य हैला कि प्रत्येक माँ भौणी प्रत्येक बासगृह हरा भरा था, समस्त आखिर हसी खुशी था, झीर बह हो नहीं, पुअर बह हो नहीं, पुअर व्यवसाय चल नहीं, झीर चल नहीं, चाकरी हो नहीं, परीक्षा देवे केमती, तो ये सिस्टम दिंतु सब लाइन टा क्लीयर है। बहार अनेक वर्ष पर सतान हो नहीं, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रखु, शालिग्राम सुदर्शन चक्र रखु, विष्णु सहस्र नाम पाठ करतु, शादी के अनेक साल के बाद बच्चे नहीं हो रहे, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रखिये, रुद्राक्ष माला हमने जो बताया सिस्टम बार बार नहीं बोल सकता, और विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु शालिग्राम सुदर्शन चक्र के समुख पाठ कीजिए। यह वीडियो को अनेक व्यक्तियों तक भेजिए, और गुप्त नवरात्रि चल रहा है, आज सिंदूर चढ़ाऊंगा, हम शिव जी से वरदान मांगेंगे, हमने जिनका भी नाम गोत्र से अनुष्ठान शुरू किया है उनकी माँ बहन बेटी जन्म जन्मांतर तक सदा सुहागन रहे। तत्सहित सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे देवी अशोक सुंदर देवी दुर्गा, देवियों का जितना भी मंत्र है ये आपके हाथ में है, और दुर्गा सप्तशती से संपूट मंत्र सिद्ध कर दीजिए। धन कुबेर मंत्र ओम एक खाय कुबेर श्रवणा धनाना अधिपति धनाना समृद्धि में दे दापे ओम स्वाहा सिद्ध कर दीजिए लाखों वर्षों तक के लिए, और इनके मूलाधार चक्र में शक्ति दीजिए, ओम सृष्टि सृष्टि विनाशानम शक्ति भूत सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते वरदान दीजिए। फिर कहेंगे इनका जो भी कोई शत्रु हो लाखों वर्षों तक उनका शत्रुओं का बुद्धि भी विनाश कर दीजिए, लाखों वर्षों के लिए विनाश कीजिएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। ओम ह्रीम बगला मुखी सर्वदूषण वाचम कंपद में समय जीव हम क्ल विनाशा ह्रीम ओम स्वाहा। फिर कहेंगे कि हे महाकाल अशोक सुंदर देवी इनका कोई दोष लगा हुआ है इसलिए दुख दरिद्रता भोग रहे हैं, वह मंत्रों को भी सिद्ध कीजिए। ओम दुर्गे स्मृता शेष जनता स्वास्थ्य स्मृता मति मत शुभाम दारिद्र दुख हार निका तो देना सर्वोपकार करना सुधार दिता। महाकालेश्वर है इनके परिवार में जो बच्चे हैं आज पैदा हुए हैं उनके विवाह के लिए हम निमंत्रण दे रहे हैं, 25 वर्ष के बाद विवाह होगा, आज से निमंत्रण दे रहे हैं, इसका अर्थ है महाकाल रक्षक बन जाएंगे 25 साल तक बेटा और बेटियों का, यही सिस्टम है। आप भी दीजिए अपने अपने क्षेत्र में, बेटा जन्म होते ही शिवालय दुर्गा देवी काली मंदिर में निमंत्रण दे दीजिए कि बच्चे का विवाह 25 साल के बाद करेंगे और आपको पधारना है, आज ही निमंत्रण दे दीजिए, देखिए फिर क्या चमत्कार होता है, 25 साल तक आपका बेटा निश्चित शेर की तरह रहेगा, पढ़ाई में तेजस्वी हो जाएगा, यही खेल है, आलू दे दीजिएगा। फिर हम आज बोलेंगे कि हे महाकालेश्वरा बेटों का विवाह जिनका भी नहीं हो रहा है, हमने जिनका नाम गोत्र उच्चारण किया है उनके लिए आप ढूंढ के लाइए बेटी। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतान सारणम तारणम दुर्गा संसार सागर से उपलब्ध भवाम सर्व मंगल मंगल शिव सर्वा साधक सनातन गोरे नारायणी नमस्ते। तो ये सब सिस्टम से आप चलिए, आप विश्व के अंदर कहीं भी रहें, आपके गांव शहर में मंदिर नहीं है या मंदिर वाले मना कर रहे हैं कि सरसों तेल मत चढ़ाना, नींबू मत चढ़ाना, सिंदूर मत चढ़ाना, मेरे व्हाट्सएप में गोत्र नाम दे दीजिए, सामग्री का तो पैसा लगना है ही है। ऐसा नहीं कि मित्तल जी आप पहले सामग्री खरीद लो और काम बनेगा तब हम आपको पैसा देंगे, वो सिस्टम नहीं है मेरे पास, मैं भुवनेश्वर राजधानी में रहता हूं,
पानी की तरह मेरा पैसा खर्च हो रहा है, हर रोज 3,300 रुपया मेरा खर्च हो रहा है, महीना में 1,00,000 रुपीज मेरा खर्च हो रहा है। तो अभी वो सिस्टम बंद करते, पहले कर देता था जब केसिंगा में था, मेरा खुद का पंचमुखी शिवालय वहां कर देता था, अभी मेरा संभव नहीं है। और मेरे सभी रिश्तेदारों को जानकारी दे रहा हूं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरा हाई पावर अनुष्ठान चल रहा है, अपना गोत्र नाम वगैरह दे दीजिए, सिस्टम मैं सब करता हूं। और वहां जो पंडितों को बिठा रखा हूं, जो पंडित हैं उनको पैसा दे देता हूं और करो ये सब मेरे उपस्थित में करवाता हूं। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी रहें, लेकिन देखो बाबू पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि राजधानी भुवनेश्वर में रहता हूं, यहां तो पानी खरीदो तो भी 20-25 रुपया ले लेता है। और मंदिर से जब निकलता हूं तो दुकानदार जान पहचान वाला है, बोलता हूं बाबू, और अभी तो 12:30 एक बज गया, सुबह का तो नाश्ता नहीं किया हूं, और एक गिलास जूस दे दे, तो बोलता बाबू एक महात्मा गांधी लगेगा। काय का महात्मा गांधी, 50 रुपया बोलता है। ले बाबू, तू धोबी को कपड़ा देता हूं तो बोलता है बाबू 50 रुपया दो। जिस अपार्टमेंट में रहता हूं मालिक जो है बोल देता है कि पर डे 200 रुपया दो। ऑटो में जाना आना करता हूं तो ऑटो वाला बोलता है तो 200 रुपया दो रोज का जाने आने का। और जहां से मेरा भोजन आता है उनको रोज का 200 रुपया चाहिए। तो ऐसा करके मेरा पूजन वगैरह अनुष्ठान वगैरह सामग्री 3,300 रुपया लगभग खर्च हो जाता है। आज का किया हुआ पूजन अनुष्ठान यह 10 वर्ष के बाद भी आपको काम करेगा। आज का अनुष्ठान किया हुआ तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचेगा, लेकिन 10 वर्ष के बाद भी कोई संकट आपके ऊपर अगर आने वाला हो तो टलता जाएगा, लाइन क्लियर होता जाएगा, यही वेद शास्त्र कहता है। और कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास ये सब पाखंडियों का शब्द है, कोई श्रद्धा भक्ति विश्वास जरूरत नहीं है, डंके की चोट से चलेगा धर्म। जीवन में महीना में कम से कम तांबा नाग तो जरूरी है, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए, और देंगे नहीं सामान कुछ भी, ले जाओगे मंदिर वही दूध पिलाना शिवलिंग को, वही दूध पिलाना, ऐसा नहीं है सिस्टम। मंदिर को बोले खाली खीरो डालू चो, खीरो डालू चो, खीरो डालू चो, रुद्राक्ष किसी धारण करी कि खीरो डालू चो ना, नहीं कि जाओ ना मंदिर को बिना रुद्राक्ष पोले जाओ चो मंदिर को माड़ी चारो समी हुए नहीं। आप मंदिर जाते हैं शरीर में कुछ रुद्राक्ष है या नहीं, या ऐसे ही चले जाते हैं देवी देवता के मंदिर में? बिल्कुल नहीं होता, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। वेद शास्त्र के सिस्टम से हम भी चलते हैं। यह वीडियो को कम से कम भी अपने 5-7 रिश्तेदारों तक भिजवा दीजिए, जिसके यहां बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं उन तक तो भिजवा दीजिए, वो तो देख के अपना पितृदोष स्वयं निवारण कर लेंगे। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और शालिग्राम सुदर्शन चक्र जिसके घर में नहीं है, उनके पितृ देवता उनका जल तक भी ग्रहण नहीं करते, जल तक भी ग्रहण नहीं करेंगे पितृ देवता। उठाइए वेद शास्त्र और खोल के देख लीजिए। मैं अपने से किसी को नहीं जुड़ा रहा हूं, जितने जुड़े हुए हैं वही भतेरे हैं। परशुराम भतेरी भाई यहां है भुवनेश्वर में, राम भतेरी भाई फोन आया, भाई भाई मने भी जोड़ ले। मैं बोला भतेरी तने और के करूं जोड़ कर, जितना मेरे से जुड़ रखे से वही भतेरे से, और फिर तेरा नाम से भतेरी और मैं और किसे ना को नहीं जोड़ू ना, भाई भाई बना लिया जोड़ ले मन ना भाण को नहीं जोड़ू भतेरे से हम डायरेक्ट जुड़ जाओ। तो बोले भाई के करूं, मोला देख बेबे तो 1,100 रुपया तो भिजवा दे आगे, और मैं तने भिजवाऊ नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग और शालिग्राम सुदर्शन चक्र। तो भाई बोली मैं लेके आऊ 1,100 रुपया तेरे हाथ तक दिए, मेरे हाथ उतार से कौन दू पड़ोस में रख दू सु भाई मैं, तो अब तक ले लिए। तो भाई आई तीसा 1,100 रुपया रख दी, पकेट रेडी कर दिया था, भाई लेकर चली गई। तो मेरे साथ में किसी को नहीं जोड़ता, मो सहित तो मुका को ज्वाइंट कराने डायरेक्ट अपन शिव चीनी ना आती अपन शिवों को कहीं की माध्यम दरकार डायरेक्ट करंतु मते कहीं की माध्यम करिबे, मते माध्यम कले मोर ए पूजा सामग्री रहीबा सिना मु खर्च बहन करबी, पूजा सामग्री तो आपन देबा को पड़ीबो पैसा, आ काहे की आपन डायरेक्ट शिवों को चिन्हा परचो वंतु मु कोनो मार पेटोरु चिन्हा परचे छि कि मु भी एमती जाई 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 चिन्हा परचे करी मु सीखी छि। तो आप डायरेक्ट शिव जी से जान पहचान कीजिए, महिलाओं के लिए तो बहुत ही आसान है क्योंकि वहां अशोक सुंदर देवी है, महिलाओं तो जाके कोई आप उनको बोल दीजिएगा मौसी जी,
कोई मामी जी, कोई बड़ी बहन, और देखिए क्या चमत्कार था। मैं भी ऐसे करता था जब शुरुआत आया भुवनेश्वर, तो मामा मामा, मौसी मौसी, मामा बोलता गया रोज और मेरा काम बनता गया। तो यह सिस्टम है, आप मौसी बना लीजिए, गारंटी बोल रहा हूं मैं, नहीं तो मामी जी बना लीजिए। अशोक शिवलिंग में जाइए और अशोक सुंदरी नाम से बोले, तीन बार पहले ताली बजा दीजिएगा और बोलेगा, अशोक सुंदरी देवी आज से आप मेरी मामी हो और मेरा काम बनवा दो। गारंटी बोल रहा हूं, महिलाओं काम हो जाएगा, गारंटी, क्योंकि मैं मेरे से ज्यादा महिलाओं का सुनती है वहां अशोक सुंदरी देवी। मोटारू अधिक लेडीज मानकर कथा, झीओ मानकर कथा तो आओ अधिक सुनती, लड़कियों का बात तो बहुत जल्दी, मेरा तो थोड़ा टाइम भी लगा देते हैं। अशोक सुंदरी देवी, कई बार मैं बोला माँ मौसी माँ ये मेरे को बतला दो, अभी समय है तो मैं चुप हो जाता हूं, और महिलाओं का तो तुरंत सुने। आप महिला है मौसी बना लीजिए, बेबे बना लीजिए, मामी बना लीजिए, और देखिए मैं डायरेक्ट आपको शिकार हूं, ऐसा बोल देना अपना घर वगैरह सबका नाम और छोड़ देना, और बोल देना मौसी मैं सब ला के दे दिया हूं थामने, मौसी सिंदूर दे सो, ये सिंदूर दे दिया मौसी, देख मौसी तेने ला गया मेरा परिवार और सुहाग, मौसी रक्षा सूत्र दे सो, देख एमती कोई वे भौणी कोई भी जाए करे शिवालिंग को जीवे अशोक सुंदर अमर बड़ भौणी आज तर मुणीस गुड़िया को गुरु करेंगे ने अपने गुरु बोल दीजिएगा कि आज के बाद मौसी मैं किसी ना गुरु को नहीं करूं, तो ये मेरा गुरु बन जा, और देखो खेल हो जाएगा, गेम हो जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइंट हुआ तू खेल है जीवो मौसी कर माँ भी कोई दिया मुंह कहते कहते बोले अशोक सुंदर देवी को मैं माँ भी बोल दिया हूं, क्योंकि मेरी माँ तो स्वर्ग चली गई तो मैं माए बना लिया करूं मौसी माँ अशोक सुंदर देवी, तो काम मेरा बन रहा है। स्वामी पत्र दीजिए, स्वामी पत्र देवी, हर रोज वीडियो मेरा देखते जाइए, और 6 महीना में का, लेकिन ये तो धारण करना पड़ेगा, इसको मैं बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि जैसे 4 वर्ण व्यवस्था में जो पंडित आते हैं, क्या कलश स्थापना जरूरत नहीं है, शालिग्राम सुदर्शन चक्र एक सुपारी बिठा देते हैं, शॉर्टकट करते हैं, इसलिए तो पूजन काम नहीं देता। कोई भी कलश बिठाए, शालिग्राम सुदर्शन चक्र तो जरूरी है, ये है शालिग्राम सुदर्शन चक्र। कई आदमी बोलते हैं लेडीज लोग मुझे, भाई या पंडिता ने तो पूजन कर हम तो धाप गए, तो मैं बोलूं भाई तेरा नाम है धापो से, तय तो धापेगी, तय कौन धापत और कौन धाप है, तेरा नाम है तेरे माँ बाप धापो रख रहा कैसे। तो ऐसा है खेल, अब डायरेक्ट जाके बोले कि मौसी मैं आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया और जीवन में नहीं बनाऊंगा, आप ही मेरे गुरु हैं। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, नवरात्रि चल रहा है, 100% आपका जन्म जन्मांतर तक वही आपके गांव के शिवालय ही आपका मनोकामना पूर्ण करेंगे। माध्यम क्यों लेना, डायरेक्ट बोलो हम गुरु किसी को नहीं बनाया, आज से हमारे गुरु अशोक सुंदर देवी, मैंने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया, चांस नहीं, बहुत कोशिश भी किए कई साधु संत कि इसको पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाओ, इसके गले में एक जनऊ डाल देते हैं, मैं बोला रहने दो, ये सब मेरे को पसंद नहीं है, मैं गुरु बनाऊ और साल में फिर गुरु पूर्णिमा में दौड़ो 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 पैसा बंडल लेके जाओ, नहीं हम तो डायरेक्ट जो है DTH डायरेक्ट टू हार्ट, मुका को गुरु करे नहीं, मो डायरेक्ट देवी देवता को सत्य पे मोर मनोस्कामना पूर्ण हो ची ना, मु तो जाके सीधा शिव मंदिर अशोक सुंदरी मांकर पादों को हाथ लगा दे, माँ 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 मोर मनोस्कामना पूर्ण करो पूरा हो ची, मैं तो सीधा शिवलिंग में जाता हूं भुवनेश्वर में और पाओ पकड़ते, हे माँ हे माँ हे माँ कर दो, मैं मेरा माँ मैंने जिनका गोत्र नाम दिया, माँ मेरा लाज रखो, इनका मनोकामना पूर्ण करो, रक्षा करो, तभी काम होता है। माध्यम क्या जरूरत है, माध्यम कोई जरूरत नहीं, माध्यम नींबू तो 33 कोटि देवी देवता का प्रिय है, पीली सरसों तो जब तक नहीं दोगे मनोकामना ही पूर्ण नहीं होगा, सरसों तेल तो जरूरी है,
ଧଳା ସରିଷ ତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସରିଷ ତ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୋ ଚାର ଲୋକ ତକ ତ ଭେଜ ଦିଜିଏ ଇତନା ଗଲା ଫାଡୁ ଭାଇ ଦିନ ରାତ କିସକ ଖାତର ମୁଁ ଗଲା ଫାଡୁଛୁ ଥାରେ ଖାତର ଗଲା ଫାଡୁଛୁ ନେ ତ ମେରା କୌନ ସାର୍ ମୁଁ ତ ବାବା ଆଦମୀ ଜଠ ଗୟା ମେରା ମୌଜ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖରା କ୍ୟାସୁ ମୁଁ କାହାପାଇଁ ଏ ତଣ୍ଟି ମୋର ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି ଖରାଦିନ ପୁଣି ଆସିଲା ଦେଖ ଏ ତଲେ ମୋର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାକୁ କହିବି ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ତ ବାନ୍ଧିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଲସି ହେଲେ ଦିଅ ଆ ସେ ଭଉଣୀ ଏକ ନମ୍ବର ଭଉଣୀ ମୋତେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସବୁଦିନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ହଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ମୋର ଭଉଣୀ ହଁ ବରହମପୁରର ପରିବାର ସେଟା ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ନାଁ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ତଣ୍ଟି କାହା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମଜାତ କର ଦୋଷ ନିଜେ ପ୍ରତିକାର କର ଯାହାକୁ ଜାତକ ଦେଖେଲେ ସେ କହିବ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି ଆଣ ସୁନା ଆଣ ହାତୀ ଆଣ ଘୋଡ଼ା ଆଣ ବସ୍ତ୍ର ଆଣ ପାଟ କହିବ ଲୁଣ୍ଠନ ହିଁ କରିବ ଜନମ କୁଲି ଜିସ୍କୋ ଦିଖାଓ ବୋଲେଗା କି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଇଏ ଜାପ କର ଓ ଜାପ କର ଓ କର ଓ ସାଲ ଓ ସାଲ କୁଛ କରନା ନାହିଁ ଗଣେଶ କା ଆପ ଶାସ୍ତ୍ର ନାମ ଆଉ ନବଗ୍ରହ କା अनुष्ठान के पथ पे चले जीवन भर कुछ करना नहीं पड़ा और मंत्र जो हमने बतलाया जाप कीजिए ज्यादा धन चाहिए बहुत ज्यादा ओम एक्खा कुबेरावे श्रवण धनधानाधिपति धनधान समुद्र स्वाहा ओम एक्खा कुबेरावे श्रवण धनधानाधिपति धनधान समुद्र स्वामी 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 एक्खा कुबेरावे श्रवण धनधानाधिपति धनधान समुद्र स्वाहा कीजिए दिन रात देखिए कैसे नहीं आते हैं धर्म कुबेर देवा तो ये सिस्टम से चलिए आप नहीं कर पा रहे हो ये सब तो व्हाट्सएप में दे दीजिए गोत्र नाम परिवार और फोन पे में पैसा ट्रांसफर करवा दीजिए फरवरी महीना में शुरू करवा दूंगा आपका अभी जनवरी में चल रहा है मेरा ये गुप्त नवरात्र हम तो कहेंगे आप अपने से करो नहीं तो आपको भी लगेगा कि जो तो लुटेरे थे ही थे धर्म के नाम से और ये एक लुटेरा बन गया हाँ टाइम नहीं लगेगा आपको बोलने वाले वीडियो देखने वाले मैं तो घाट घाट का पानी पी रखा सो बाबू मैं तो कई घाट का पानी पी रखा सो सारा मने बेरा मैं तो धर्म के नाम से जो डकैत जो बैठे हुए ना वर्ल्ड के अंदर डकैतों के साथ में रह रहा क्या सुन इससे खातर उनका सारा डकैत विद्या सीख रहा क्या सुन वीडियो को जन जन तक भेजिए।